हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आज देखिए, मैं रमज़ान स्पेशल में बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने चिकन लिया हुआ है 80 ग्राम, जो कि मैंने इसको नमक डाल के उबाल लिया था और मैंने इसके रेसे रेसे निकाल लिए। और ये है ब्रेड, ब्रेड की स्लाइस। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, जिसे मैंने चॉप्ड में काट लिया हुआ है। और मैंने नमक लिया हुआ है, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली हुई है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 हरी मिर्च और ऑयल। ब्रेड के जो किनारे का पार्ट है, इसे हम काट लेंगे। इसी तरह जितने भी ब्रेड के स्लाइस का ब्राउन पार्ट है, हम सभी को निकाल लेते हैं। अब एक पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। अब इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। आप चाहें तो इसकी जगह सूखी कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। अब हम इसको 1 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। लो फ्लेम पे हम इसको चलाते रहेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे लिए हुए हैं और ब्रेड क्रम्ब। ये वही ब्रेड क्रम्ब्स हैं जिसे मैंने ब्रेड के स्लाइस से निकाला हुआ था, साइड से उसी का मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार किया हुआ है। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और पानी में ऐसे हल्का हल्का डिप करेंगे साइड साइड से, और इसको अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं। और इसमें डालेंगे चिकन का बैटर। अब इसको चारों तरफ से रोल कर लेंगे। इसी तरह जितने रोल हैं हम सबको तैयार कर लेते हैं। देखिए, इतने चिकन में मेरा 9 रोल बनके तैयार हुआ है। और इससे पहले मैंने 1 ब्रेड रोल की रेसिपी दी है, आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए या फिर मैं आई बटन पर दे दूंगी, आप देख लीजिए।
अब इसको हम अंडे में डीप करेंगे और फिर इसको ब्रेड से कोट करेंगे। अब एक एक रोल को हम अच्छी तरह इसमें अंडे में डीप करेंगे और फिर इसको वापस से ब्रेड में डालेंगे और दूसरे हाथों से इस पर लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हम सभी रोल को कोट कर करके इसमें रख लेंगे। सारे रोल को मैंने कोट कर लिया। अब चलिए इसे डीप फ्राई करते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और एक एक करके इसमें डीप फ्राई करेंगे। इसको हम तुरंत इसको टच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये टूट जाएगा। थोड़े देर बाद इसको पलटेंगे। अब इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। हम इसकी साइड को चेंज करके देखते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। और जितने बचे हुए रोल हैं उनको भी डीप फ्राई कर लेंगे। अब देखिए हमारा चिकन ब्रेड रोल बनके तैयार है और इसे मेयोनीज और टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए और खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।